तो आज हम समझ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर आपकी राशियों पर क्या पड़ेगा, और अब हम अगली राशि का रुख करते हैं, वो है तुला राशि। एक तो तुला राशि वालों के ऊपर वैसे ही शनि की ढैया के उतरने का प्रकोप है, और उसके अलावा उसी तुला राशि में बीच में सूर्य ग्रहण भी पहुंच गया उसके बगल में। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस ग्रहण में एक बड़ी खास चीज है कि मेष और तुला राशि भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो सकता है? तुला राशि वाले अगले एक महीने से लेकर 3 महीने तक पारिवारिक समस्याओं से और कोर्ट केस से, मुकदमेबाजी से बचें, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं और मुकदमेबाजी से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपकी राशि तुला है तो आपको दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, ऑपरेशन, इन स्थितियों से बचना होगा, क्योंकि सर्जरी जैसी स्थिति, दुर्घटना जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। कानूनी समस्याओं से और अपयश से आपको बचना है। आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप किसी कानूनी झमेले में पड़े या बेवजह की बदनामी आपके पीछे लग जाए, बेवजह का अपयश आपको मिले, इससे आपको बचना चाहिए। तो तुला राशि अगर आपकी है तो आपको अपयश से बचना है, दुर्घटना से बचना है, और किसी तरह की मुकदमेबाजी ना हो, कानूनी समस्या ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ग्रहण के बाद अगर आप गेहूं का या आटे का दान करें तो इसका प्रभाव आपके लिए बेहतर होगा, सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो अब अगली राशि है वृश्चिक राशि, उसके बारे में समझते हैं कि उस पर कितना असर होने वाला है सूर्य ग्रहण का। अर्पिता, वृश्चिक वालों के लिए ये ग्रहण कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है और उनके जीवन में नए रास्ते लेकर के आएगा भी। यानी अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव आपके लिए निगेटिव नहीं है। आपके जीवन की तमाम रुकावटें इस समय निश्चित रूप से दूर होंगी। महत्वपूर्ण काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होती चली जाएगी। यानी जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा है। अगले 1 से 3 महीने के बीच में आपके जीवन की रुकावटों के दूर हो जाने के योग बनते हैं, और तमाम तरीके की जो बाधाएं हैं ये बाधाएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। तो इस समय का आपको पूरा इस्तेमाल करके अपने काम को निपटाना चाहिए, अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और धनु राशि के बारे में समझते हैं कि धनु राशि पर आखिरकार सूर्य ग्रहण का कितना असर होगा। धनु वालों के जीवन में भी अर्पिता बड़े परिवर्तन की सूचना दिख रही है। हालांकि ये परिवर्तन उनके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। धनु राशि वालों को करियर में बड़े लाभ के योग बन सकते हैं। करियर में आपको बड़ा फायदा इस समय हो सकता है। आपने पहले जो प्रयास किया था उसका फायदा इस समय होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग भी बन रहे हैं। करियर में बड़ा फायदा, फायदेमंद स्थान परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आपके विरोधी हैं,
वो इस समय परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इस समय आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो धनु वालों की ताकत शक्ति बढ़ेगी, करियर में ऊंचाइयां मिलेंगी और शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का और गेहूं का दान करें तो ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा। ग्रहण का प्रभाव आपके लिए वैसे ही अच्छा है, आगे इसका फायदा आपको 1 से लेकर 3 महीनों के बीच में प्राप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।